नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा माइक सबसे बेस्ट रहेगा। कोई भी वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसके लिए सबसे बेस्ट माइक कौन सा रहेगा, वायरलेस माइक जो कि बिना वायर वाला होता है। अगर आप कॉमेडी भी शूट करना चाहते हैं तो उसको कहीं भी ले जाके शूट कर सकते हैं। उसमें दो माइक दिया रहेगा, जिसको दो अगर दो आपके पास करेक्टर हैं बोलने वाले तो दोनों को परी पर लगा के आप उसमें वीडियो बना सकते हैं आराम से। इसमें देखिए, मेरे को पहले पता नहीं था तो मैं गया दुकान पे ख़रीदने के लिए, तो दुकानदार ने क्या किया कि मेरे को ये K35 दिख रहे हैं, ये K35 ये वाला माइक मेरे को दे दिया। मैं लेके चलाया मोबाइल में, मैं कनेक्ट कर करके थक गया, लेकिन ये मोबाइल में कनेक्ट हुआ ही नहीं। इसके लिए मैं बहुत कोशिश किया, महीनों दिन तक इसको कोशिश किया, मोबाइल का ये पुराया मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, फिर ओपन कैमरा लोड किया, क्या क्या नहीं किया इसके लिए, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुआ। अंत में मैं फिर बनारस गया कि चलो इसका पिन खोज के लाते हैं, क्योंकि तो बनारस भी गया तो वहाँ से पिन तो वहाँ पे मिला नहीं मेरे को, जैसा खोज रहा था वैसा। तो चलो दिखाता हूँ इसको, इस माइक के बारे में। अभी देखिए, इसमें एक ट्रांसमीटर है और ये माइक है, दो, ये देखिए दो माइक, ये दो माइक और ये ट्रांसमीटर। इसको मोबाइल में कैसे भी लगाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन ये कनेक्ट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि ये डिब्बे पे साफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बनाया हुआ है कि ये सब प्रोग्राम जो होता है ना बड़े बड़े जगह पे, वहाँ पे ये लगा के यूज कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको लेके आया, जब मैं दुकानदार के पास गया था ख़रीदने के लिए, तो वो बोला कि ये पीसी में नहीं काम करेगा, मोबाइल में तुम्हारे काम करेगा, ठीक है, मोबाइल के लिए काम करेगा। लेकिन जब मैं घर पे गया तो इसको पीसी में कनेक्ट किया तो एक ही बार में काम करने लगा। जो मेरे पास वो वीडियो कैमरा था उसमें भी लगाया तो ये काम कर रहा था, लेकिन मोबाइल में मैं रात दिन लगा रहा, महीनों लगा रहा, सब ये पूरा आके डाउनलोड करके नेट पे देख के सब चीज़ करके थक गया, लेकिन कहीं से भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। यूट्यूब पे भी फर्जी ही सब बता रहे थे कि ये इस माइक को लगा दो, ओपन कैमरा में एक्सटर्नल माइक सेटिंग कर दो, हो जाएगा, लेकिन सब करके थक गया, लेकिन नहीं से नहीं हुआ। फिर लास्ट में मेरे को क्या करना पड़ा, देखिए ये वो बोले कि देखिए यहाँ पे ये चार पिन वाला है ना, यहाँ पे तो चार पिन वाला नहीं रहेगा, तीन पिन वाला रहेगा तो काम करेगा। फिर मैं तीन पिन वाला ये देखिए पटना से लेके आया, बनारस पूरा खोज मारा नहीं मिला, पटना से फिर खोज के लेके आया, फिर इसको लगाया तो भी नहीं ये काम किया। ऐसा लगाने के बाद मोबाइल में लगाया तो भी ये काम नहीं किया। तो K35 का जो माइक है वायरलेस माइक, ये मोबाइल के लिए नहीं बना है, ये अपना जैसे DSLR हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब में परफेक्ट काम करेगा। या जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे जो मशीन लगी रहती है वहाँ पे लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको मोबाइल में यूज करना आसान इतना नहीं है, क्योंकि मैं तो थक गया, नहीं हो पाया। अगर किसी को पता होगा तो बता देना, लेकिन मैं तो थक गया, इसको कनेक्ट कर थक गया, नहीं हुआ। बनारस बहुत दुकानों पे गया, हर दुकान छान मारा, वो लोग भी सेट नहीं कर पाए। पटना गया, वो लोग भी सेट नहीं कर पाए, सब जितना USB डाटा केबल सब था, सब लगा के थक गए, नहीं हुआ। तब अंत में मेरे को ये बनारस गया था तो वहाँ से ये सी टाइप का वायरलेस माइक दुकानदार ने दिया, बोला कि ये एकदम परफेक्ट काम करेगा। मैं बोला ठीक है, चेक करके दिखाओ, और अगर परफेक्ट काम करेगा तो मैं ले लूँगा। बोला 1200 रुपये लगेंगे, मैं परफेक्ट गारंटी देता हूँ कि काम करेगा। मैं बोला ठीक है लाओ, तो उसके पास भी नहीं था, वो गया तो अंदर से कहीं से खोज के लेके आया, और मैं मेरे मोबाइल में लगा के कनेक्ट करके दिखाया। तो देखिए इसमें क्या क्या रहता है, ये देखिए दो वायरलेस माइक रहेगा और एक के ट्रांसमीटर रहेगा,
इसको जैसे ही मोबाइल में लगाया और ओपन कैमरा यूज किया, उसमें माइक को भी चेक किया, तुरंत काम करने लगा। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो ये भला तो काम किया, क्योंकि मैं इतना थक चुका था ना कि क्या बताऊँ। उसके लिए इसके लिए मेरे को 1200 रुपया ये खड़ा नहीं कि मेरा 1200 रुपया लग रहा है, क्योंकि काम हो जाने के बाद पैसा माने नहीं रखता है, काम हो जाना चाहिए। तो देखिए, मोबाइल के लिए अगर आपको यूज करना है तो ये निफो का माइक है, टाइप सी वाला ही यूज कीजिए। मैं K8 माइक था उसको भी लगाया मोबाइल में अपने, तो कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं काम कर रहा था। फिर दूसरे दुकान पे गया था तो वो ये दिया था और बोला कि गारंटी के साथ 100% गारंटी देता हूँ कि काम करेगा, तो ये मेरा काम किया था। लेकिन K8 का भी वो माइक मेरे में नहीं काम किया था, भले दूसरे मोबाइल में करे या ना करे वो अलग की बात है, लेकिन मेरे में नहीं किया था। मेरा रेडमी नोट 8 है लेकिन मेरे में नहीं किया था, लेकिन इस ये वाला निफो का ये काम किया था। तो आज के इस वीडियो में यही बताया कि देखिए, अगर आपको मोबाइल के लिए चाहिए तो ये निफो का टाइप सी वाला लेकर मोबाइल में वायरलेस माइक यूज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर के लिए चाहिए तो कंप्यूटर के लिए ये के 35 आप यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, DSLR हो गया, जो हैंडीकैम कैमरा होता है ना छोटा वाला, उसमें भी काम कर सकते हैं। DSLR जो होता है ये ऐसा वाला, उसमें भी लगा के काम कर सकते हैं। ये DSLR में भी मेरा के ये D3400 मॉडल है, इसमें भी मैं लगाया तो ये काम नहीं किया। इसमें क्योंकि ये मोटा पिन का ये लगाने वाला कहीं दिया ही नहीं है, जो ये है केबल ये लगाने वाला कहीं दिया ही नहीं है D3400 में। तो इसके लिए भी मैं एक केबल लेके आया था पटना से। देखिए, टाइप सी से लाया था, ये टाइप सी से 3500 मॉडल का, इसको भी लगाया तो भी ये कैमरे में कनेक्ट नहीं हुआ, टाइप सी वाला भी नहीं कनेक्ट हुआ। जो टाइप सी का मेरा वायरलेस कैमरा था और वायरलेस माइक था, उसको भी इसमें लगाया तो काम नहीं कर रहा है। D3400 में ये काम नहीं कर रहा है वायरलेस माइक। वो लोग बता रहे थे कि 5600 में दिया हुआ है जैक लगाने के लिए, ऐसा पिन का जैक 5600 वाला में लगा के आप वायरलेस माइक का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये D3400 में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसमें पिन भी लगा के मैं थक गया, लेकिन वो पिन काम कर नहीं रहा है। तो यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको मोबाइल के लिए आपको माइक चाहिए, वायरलेस माइक चाहिए, तो यही निफो का टाइप सी वाला ही काम करेगा, या K9 हो गया या कोई भी हो गया, मैंने टाइप सी वाला ही काम करेगा मोबाइल के लिए, बेस्ट यही रहेगा। कभी भी भूल कर ऐसा पिन वाला वायरलेस माइक मोबाइल के लिए कभी ना लें। YouTube पे फटाने झूठ साँच उसी में बता देंगे कि नहीं ऐसे खोसो कनेक्ट हो गया, उनके उन लोगों का पता नहीं कैसे खोसेंगे कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग करके बोल ही रहा हूँ, यहाँ से लेके बनारस से लेके पटना तक सब जगह चेक कर लिया, लेकिन कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाया, कोई भी दुकानदार नहीं कनेक्ट कर पाया। अंत में बोल दिया कि तुम टाइप सी का ई माइक ले लो, गारंटी देता हूँ कि वहीं कनेक्ट करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।